देखो बच्चों, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो अर्थ में एपी तो आपने क्लास 10th में भी किया हुआ है, आप जानते हैं एपी के बारे में क्या होता है। ये एपी एक सीक्वेंस है जिसमें टर्म्स का डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, यूजुअली हम किससे डिनोट करते हैं, ए। सेकेंड टर्म इज ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2D, ए प्लस 3D एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पर, डी के इक्वल है। ठीक है, एनएक्स टर्म अगर कॉमन डिफरेंस एपी की कोई दो या कुछ भी टर्म्स दी हो और आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना हो, तो यूजुअली हम क्या करते हैं, ए टू माइनस ए वन करते हैं, ए टू माइनस ए वन करते हैं, डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, ए एन माइनस ए एन माइनस वन, मतलब एनथ टर्म में से एन माइनस वन टर्म माइनस कर दो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। कॉमन डिफरेंस मतलब एक नेक्स्ट वाली टर्म में से एक प्रीवियस टर्म माइनस कर दो। ठीक है, अच्छा एनथ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये एनथ टर्म का फॉर्मूला है, क्लास नाइन पिछली क्लास में आपने पढ़ा है। उसके बाद एस एन सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, दिस इज एन बाई टू प्लस एन माइनस वन इंटू बी, ये एनथ टर्म का फॉर्मूला है। एनथ टर्म का फॉर्मूला एक और भी होता है, एन बाई टू ए प्लस एल, जब आपको क्या गिवन हो, लास्ट टर्म गिवन हो। तो ये एपी के फॉर्मूले थे कुछ। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं एपी को। ठीक है लिख लेना, वही 10th वाले ही फार्मूले हैं, थोड़ा जगह छोड़ दो ऊपर, क्वेश्चन पे आ जाओ पहले, थोड़ी जगह छोड़ दो। देखो जरा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट क्वेश्चन सॉरी, फाइंड सम ऑफ ऑड इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स फ्रॉम कहां से कहां तक, 1 टू 2001, 1 इनका सम फाइंड करना है ना, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस सो ऑन, कहां तक, टिल 2001 तक। पर जो सम फाइंड करने के लिए हमें एन की जरूरत पड़ती है, सम फाइंड करने के लिए हमें एन की जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहले हम एन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखो जरा ए वन दिया हुआ है यहां पर, कितना है, 3। ए टू क्या है, ए वन वन, ए वन इज वन, ए वन इज वन, ए टू इज इक्वल टू 3, तो डी क्या निकलेगा, ए टू माइनस ए वन 2 आ जाएगा। सबसे पहले आपको एन फाइंड करना है, एनथ टर्म क्या गिवन है, दिस, एनथ टर्म क्या गिवन है, दिस। ओके सो एस एन इज इक्वल टू, पहले एन फाइंड करेंगे तो ए एन को यूज करेंगे, उसमें ए एन को आप लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी दैट इज इक्वल टू 2001। इसमें आप ए की वैल्यू डाल दो, एन की वैल्यू डाल दो, डी की वैल्यू डाल दो, जल्दी से मुझे एन की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि आप कक्षा 12th 11th के बच्चे हैं, 10th के बच्चे नहीं हैं। सो मैं ये मान के चलता हूं कि आप एन कहां से निकाल सकते हो, डी कितना है बच्चों, डी 2 है, दिस इज 2001। ठीक है, एन माइनस वन इंटू टू दिस इज 2001, एन माइनस वन दिस इज, अच्छा इस वन को राइट में लेके जाओ तो ये 2000 हो गया, और एन की वैल्यू 2 से डिवाइड, एन की वैल्यू निकालने के लिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, सो एन माइनस वन कितना आएगा, 1000 आएगा, और एन की वैल्यू हो जाएगी 1001। देखो जरा अब क्या निकाले हम, अब क्या निकाले बच्चों, एस एन एन टर्म्स का सम। अब एस एन का फार्मूला होता है बच्चों एन बाई टू, टू ए प्लस एल, और हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 1001 टर्म्स हैं।
तो बच्चों एन के जगह क्या डाल देंगे, दिस टू इंटू ए, व्हाट इज ए, व्हाट इज ए, वन प्लस एल 2001, दिस इज 1001 डिवाइडेड बाई टू इंटू टू प्लस 2001, दिस इज इक्वल 1000. कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं है तो फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल में क्यों आ रहा है ये? हाँ ये रही ना गड़बड़, जीपी ए प्लस एल होता है, ए प्लस एल होता है, ठीक है. तो ए कितना है यहाँ पर, वन. सॉरी दिस इज, ये कितना हो गया बच्चों, दिस इज, इसको इससे कट करो, 1001, ठीक है, करो भी मल्टीप्लाई, 1001 को 1001 से मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आता है, क्या आया अभी बताना जरा, 100 2001. और आपको पता है ये 8th की बुक में होता था कि इसको 1001 को इससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे तो ऐसे आएगा, जैसे 101 को आप 101 से मल्टीप्लाई कर रहे तो कितना आएगा, 10201, ठीक है. और अब आप इसको कर रहे हो तो ये ऐसे आएगा, ये 8th की बुक में होता था, पहले ही चैप्टर में, पहली एक्सरसाइज में था. तो मतलब सर ऐसे लिख देना है दोनों को, हाँ, जैसे ये 1, ये 1 लिखा, फिर ये 00 लिखा, फिर यहां पर 2 लिखना है, और फिर से 00 और फिर 1. अगर मान लो आपको ये मल्टीप्लाई करना होता, ठीक है, 1001, तो आप 1 लिखते, फिर 30 लिखते, फिर 2 लिखते, फिर 30 लिखते, और फिर 1, ऐसे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई. अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100, बिटवीन बोला है बच्चों, 100 and 1000, 100 एंड बिटवीन 100 एंड 1000, विच आर मल्टीपल ऑफ 5, इनके बीच में बताना है, विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो इनके बीच में लेना है, तो बच्चों न तो 100 को लेना है, नहीं सम निकालना, हाँ, तो पहला नंबर क्या होगा, 105 होगा, इनके बीच में जो 5 का मल्टीपल है पहला नंबर 105 होगा, अगला नंबर क्या होगा, 110 प्लस 110 प्लस 115 डैश 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 प्लस कौन सा 995, लास्ट नंबर ये होगा, ठीक है. चलो जरा देखो इधर, हमें ये सम फाइंड करना है एस, तो बच्चों ए क्या है यहां पर, 105. डी फाइंड कर सकते हो, ए टू माइनस ए वन होता है, सबको पता ही है, करोगे तो यहां पर 5 ही आएगा. तो सम फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको एन फाइंड करना चाहिए, एन पता होना चाहिए, करो फाइंड एन. ए एन क्या दी हुई है आपको, 995. इसको यूज करके आप एन फाइंड कर सकते हो, कैसे देखो जरा, ये दिया हुआ आपको, ठीक है, ओके. सो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, व्हाट इज ए, व्हाट इज ए, ये क्या है, 105. एन माइनस वन, व्हाट इज डी, डी कितना भाई, दिस इज 995. सो एन माइनस वन इंटू फाइव इसके इक्वल हो गया 995 माइनस 105. एन माइनस वन इंटू फाइव इज व्हाट, 891. कितना, जीरो नाइन
एट. सो एन माइनस वन की वैल्यू क्या आ गई? 890 अपॉन 5. बताओ क्या आया? 1. श्योर? 5 जा 1, 5. एक मिनट दो मुझे. 5 जा 5, 3 बचेंगे और 3, 8, 8 आना चाहिए ना? 8 बचा, 8, 8. हाँ, सो n क्या आ गया? n आ गया यहां से, n इज इक्वल टू 179, करेक्ट. हमें Sn फाइंड करना है. Sn, n by 2, फॉर्मूला बताओ. a, a plus l, सो n इज व्हाट? 179 by 2. a क्या है? 105 plus 179. 995, ठीक है. तो हो गया 179 बाई 2. पांच पंद्रह दस नौ एक दस ग्यारह 1100. तो 179 2 से इसको काटो, 2 5 जा 550. निकालो आंसर कितना आता है? 984. चेक करो पीछे आंसर. चलो सीयूईटी में आएगा एंट्रेंस टेस्ट. दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट, इसलिए डिलीटेड सिलेबस उसमें सारा आ रहा है, इसलिए पूरा ही पढ़ ले तू. अगला क्वेश्चन, बच्चों बातें नहीं, इधर आ जाओ. अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन. क्या दिया थर्ड क्वेश्चन में? एन एपी हैज इन एन एपी, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2, ए वन इज इक्वल टू 2, ठीक है. ए फर्स्ट टर्म इज 2 एंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म एस 5, एस 5 इज 1/4 ऑफ, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स. पहली 5 टर्म्स का सम 1/4 है. किसका 1/4? अगली 5 टर्म्स के 1/4 से, अगली 5 टर्म्स के 1/4 से. अगली 5 टर्म, अगली 5 टर्म्स को कैसे लिखोगे? पहली 5 टर्म मान लो ये तो हो गई a1 से लेकर a5 तक. अगली 5 टर्म्स का मतलब क्या है बच्चों? a6 से लेकर a10 तक, समझे? अगली 5 टर्म, नेक्स्ट 5 टर्म्स. सो आपको ये वाला सम, अब ये वाला सम कैसे फाइंड करोगे आप? एक काम करें, पहली 10 टर्म्स के सम में से, फर्स्ट 10 टर्म्स के सम में से फर्स्ट 5 टर्म्स का सम माइनस कर देते हैं, तो क्या बच जाएगा? नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम बचेगा. तो फर्स्ट 10 टर्म्स के सम में से S10 माइनस S5, ये नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम हो गया. तो क्वेश्चन में ये दिया है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स is equal to 1/4 of sum of next 5 terms, ठीक है. ध्यान से देखो, यहां से हम एक रिलेशन डिराइव करते हैं. 4 को लेफ्ट में मल्टीप्लाई करो, 4 into s5 is equal to s10 minus s5, करेक्ट. ठीक है, चलो आगे देखो जरा भाई. 4 ऑफ s5, अच्छा इस राइट साइड वाले s5 को लेफ्ट में ले आओ, प्लस s5, दिस इज s10, ठीक है. ये क्या हो गया भाई? 5 टाइम ऑफ s5, दिस इज s10, 5 टाइम ऑफ s5, दिस इज 5 बाई 2, 2a, 2a plus n minus 1 into d, तो 5 minus 1 करेंगे तो 4d हो जाएगा. 5 terms का सम है ना, this is equal to s10. बताओ s10 क्या होता है? 10 by 2, 2a plus 9d. ये समझ आया क्या आपको? 2 से दोनों साइड का 2 कट कर दो, 5 से इस 10 को कट कर दो,
ठीक है। अच्छा लेफ्ट साइड का ब्रैकेट ओपन करो, टेन ए प्लस में 20 डी, दिस इज 4 ए प्लस में 18 डी। चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या आएगा यहां से, 10 ए और 4 ए बताओ, 6 ए, 6 ए इज इक्वल टू बताओ बच्चों कितना आ गया, माइनस 2 डी। देखना जरा मैंने ठीक किया है क्या, बोलो जरा, 3 ए इज इक्वल टू माइनस डी, कुछ ऐसा आ रहा है। अच्छा ए तो दिया है ना बच्चों, डाल देना जरा, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 6। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है, ए को 2 डाला तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 6। अब क्या फाइंड करना है बताओ जरा, क्या फाइंड करना है बताओ, क्या फाइंड करना है, शो दैट 20th टर्म इज माइनस दिस, इसकी 20th टर्म निकालनी है। डी मिल गया बच्चों, ए पहले से ही है, जल्दी से इसकी 20th टर्म निकाल दो, ए 20, ए प्लस 19 डी, ए कितना है देखो जरा, ए कितना है 2, प्लस 19 इंटू डी कितना है, माइनस 6। जल्दी से आंसर निकालो, निकाल के देखो कि माइनस 112 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन देखो जरा, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, एक एपी गिवन है आपको, माइनस 6, माइनस 11 बाई 2, माइनस 5 एंड सो ऑन आर नीडेड टू गिव, ये एक एपी गिवन है, कहता है इस एपी की कितनी टर्म्स चाहिए जिससे कि एस एन क्या बन जाए, सम क्या बन जाए, माइनस 25, ठीक है, सम माइनस 25 हो जाए, मतलब आपको एन फाइंड करना है, ठीक है, एन फाइंड करना है। ध्यान से देखो बच्चों, इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस 6, ए टू क्या है, माइनस 11 बाई 2, आपको डी फाइंड करना हो तो ए टू माइनस 7, माइनस 11 बाई 2, माइनस माइनस प्लस 6, बताओ जरा, 7 बाई 2 आ रहा है, डी आ गया। अब ये पूछा कि कितने टर्म्स का सम क्या होगा, माइनस ऑफ 25, सो हमने मान लिया था कि n टर्म्स का सम कितना है, माइनस 25, sn को हमने क्या मान लिया, माइनस 25। ये पूछा है कि कितने टर्म्स का सम माइनस 25 होगा, तो हमने मान लिया कि n टर्म्स का सम माइनस 25 होगा, दैट इज sn क्या होगा, माइनस 25, दिस इज क्या लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे इसको, n बाई 2, n बाई 2, 2a, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज माइनस 25। ठीक है, n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज माइनस 25। अच्छा एक बात बताओ, n क्या है, नहीं पता, n बाई 2, 2a, a बताओ कितना है, माइनस 6, प्लस n माइनस 1, डी, डी बताओ कितना है, मैंने कुछ गलत लिख दिया, डी, डी माइनस 6 लिख दिया, डी तो हाफ है, डी हाफ है भाई, डी क्या है, हाफ है, ठीक है। चले आगे बताओ, फिर कैलकुलेट करो क्या हो गया, माइनस 6 कहां पर, अच्छा सॉरी क्या हो रहा है, ये कहां था मैं, कितना आना चाहिए, माइनस 12, माइनस 12, ठीक है, बताओ जरा क्या हो गया बच्चों, ये भी है एलसीएम ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस 24 प्लस में एन माइनस 1 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू माइनस 25, ठीक है, एन बाई 2,
ये कितना हो गया माइनस 25 प्लस एन डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू माइनस 25। ठीक है, तो इस 2 और 2, ये 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 को राइट में मल्टीप्लाई कर देंगे, n इंटू माइनस 25 प्लस n, दिस इज इक्वल टू क्या माइनस 100। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया n स्क्वायर। देखो n को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से n स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 25 n इज इक्वल टू माइनस 100, n स्क्वायर माइनस 25 n प्लस 100 इज इक्वल टू 0। करेक्ट, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो और इसमें n की वैल्यू फाइंड करो, n स्क्वायर माइनस 20n माइनस 5n प्लस 100 इज इक्वल टू 0। n यहां से हमने कॉमन ले लिया, n माइनस 20, माइनस 5 कॉमन ले लिया, n माइनस 20, दिस इज इक्वल टू 0। n माइनस 5 n माइनस 20 इज इक्वल टू 0, सो आइदर n इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू 20, दो वैल्यू आपके पास n, ये वैल्यू आ रही है, चेक करो पीछे क्या है, लेता जाएगा तुम्हें। अगला क्वेश्चन ये कह रहा, क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो भी जरा, इन एन एपी द पीएच टर्म इज दिस, पीएच टर्म इज दिस, पीएच टर्म कितने, पीएच टर्म को एपी से डिनोट करेंगे, पीएच टर्म इज 1 बाई क्यू, क्यूएच टर्म, क्यूएच टर्म इज 1 बाई पी। ठीक है, प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स, एस पी क्यू, एस पी क्यू, एस पी क्यू निकालना है। ठीक है, पीएच टर्म इज दिस, क्यूएच टर्म क्या, चलो पीएच टर्म इज दिस, पीएच टर्म का फॉर्मूला बताओ बच्चों, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, दिस इज 1 बाई क्यू, क्यूएच टर्म का फॉर्मूला बताओ, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, दिस इज 1 बाई पी। ठीक है, दिस ये दिया हुआ है, अच्छा माइनस करो इनको, इसमें से वो वाली टर्म माइनस करो, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, हाँ पी माइनस 1 इंटू डी माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी, दिस इज 1 बाई क्यू माइनस 1 बाई पी। पी माइनस 1 माइनस क्यू माइनस 1, पी क्यू, क्या बेटे किसको माइनस किया बेटा, टेंथ क्लास में भी जब आपके यहाँ दो लीनियर इक्वेशन दी होती थी तो ए और डी निकालने के लिए आप ऐसे ही करते थे, साइमल्टेनियस सॉल्यूशन, है ना, एपी शायद आपने मेरे साथ नहीं किया, है ना, तो टेंथ क्लास में भी हम डी निकालने के लिए दो इक्वेशन जब हमारे पास होती थी तो साइमल्टेनियसली सोल्व करते थे उनको, पहले चैप्टर क्या, पहले चैप्टर में जैसे इक्वेशन सोल्व करते हैं वैसे। ठीक है, तो माइनस करके हमने जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 है, 6x प्लस में 2y इज इक्वल टू 8 है, तो xy निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनस करते थे ना ऐसे कोफिशिएंट इक्वेट करके, है ना, वही मेथड लगाया है, ए और दो इक्वेशन दिए ए और डी में और हमें ए और डी निकालने हैं तो हमने माइनस कर दिया इनको। ठीक है, ओके, अब यहां से क्या आ गया, पी माइनस 1, पी माइनस 1 माइनस, बच्चों ये क्या हो जाएगा, क्यू प्लस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू, ये पी माइनस 1 से क्या कट किया, पी माइनस 1 दोनों साइड से, सो डी की वैल्यू क्या आ गई, 1 बाई पी क्यू, ये डी की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, ये डी की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, सपोज दिस इज 1 और दिस इज 2, 1 और 2 में कहीं भी डाल दो और ए की वैल्यू कैलकुलेट करो जरा, देखो ए प्लस
p minus 1 into d, this is equal to 1 by q. So p minus 1, d आ चुका है ना आपके पास? D आ चुका है आपके पास. तो a plus, a की वैल्यू क्या है बताओ? एक a की वैल्यू तो नहीं है ना अभी हमारे पास. p minus 1 into d, p minus 1, d है आ चुका ना. ओके तो d वाली टर्म को राइट में लेके जाओ, d आ चुका. तो a is equal to 1 by q minus p minus 1 into d. a is equal to 1 by q minus p minus 1, बताओ क्या है? p minus 1 तो ऐसे ही रहेगा, d कितना है? 1 by pq. 1 by pq, बताओ क्या आ गया? 1 by q minus, इस 1 by pq को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो क्या बनेगा. p by pq, और ये जो माइनस की वजह से ये वाला साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, 1 by pq, ये बनेगा. इस 1 by pq को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, तो p by pq और 1 by pq, और वो बीच का जो माइनस था वो प्लस में चेंज हो गया. यहां p से p काट दो तो क्या आया यहां से? a is equal to 1 by q minus 1 by q plus 1 by pq. 1 by q से 1 by q cancel, 1 by क्या आ गया? pq. a कितना आ गया? 1 by pq. ठीक है, a की वैल्यू आ गई 1 by pq. a आ गया, d आ गया, बताओ क्या फाइंड करना है? सम ऑफ pq टर्म्स. s pq फाइंड करना है, कितना होगा? pq by 2, pq by 2, 2a plus pq minus 1 into d. ठीक है, pq by 2, 2 upon 2a, 2 into a, बताओ क्या है? 1 by pq. a 1 by pq है ये रहा, प्लस में pq minus 1. ठीक है, बच्चों अंदर से pq कॉमन ले लो, 2 प्लस ठीक है 1 by 2 pq. ये हमारा सम ऑफ pq टर्म्स आ गया. कोई प्रॉब्लम है तो बताओ. ठीक है, चलें आगे. नेक्स्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? सिक्स्थ क्वेश्चन. सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी. एक एपी गिवन आपको और एसएन भी दिया है, तो ये तो आप ही के लेवल का सम है, करके दिखाओ जरा. आपको क्या दिया हुआ है? एक एपी दी हुआ है 25, देन 22, then 19, then so and so on. और इस AP का जो SN दिया हुआ है, sum of कुछ terms का sum कितना दिया? 116. तो उसको हम SN assume कर लेंगे, 116. मतलब आपको SN दिया हुआ है, AP दिया है, SN दिया है, और आपको N find करना है. तो ऐसे question हम पहले कर चुके हैं. ठीक है, वह मैं N 8 आ गया. चलो कर दिया है सब, सभी ने. देखो बच्चों, a 25 है, a कितना है? 25 है. d कितना है? d कितना है? minus 3. sn is this, d is this. आगे बताओ. sn का formula, sn का formula होगा बच्चों n by 2, 2a plus n minus 1 into d. this is what?
116. डालो बच्चों इसमें वैल्यू, n बाई टू, टू ए प्लस n माइनस वन, d इज व्हाट, d कितना है 116. ठीक है बच्चों, ए भी 25 दिया है ना, यहां पर डाल दो, कितना हो जाएगा 50, n बाई टू, देखो जरा 50 प्लस माइनस 3n, माइनस 3n प्लस 3, दिस इज 116. बताओ जरा कितना हो गया n बाई टू, बोलो 53 माइनस 3n. बस 2 को राइट में मल्टीप्लाई कर दो, 2 को क्या कर दें बच्चों, राइट में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 232. ब्रैकेट ओपन करो, क्या बनेगा 53n माइनस 9n स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 232. माइनस 3n स्क्वायर, ठीक है चले आगे. थ्री एन स्क्वेयर, बचाओ बच्चों राइट में लेके जाओ इसको, 3n स्क्वेयर माइनस 53n प्लस में 232 इज इक्वल टू 0. और बताओ फैक्टराइज करके n की वैल्यू क्या आई, कितने फैक्टर बन रहे हैं इसके, कौन कौन से, 3n स्क्वेयर माइनस 24n माइनस 29n प्लस इज इक्वल टू 0, 3n, n माइनस कितना 8 माइनस 29, तो n माइनस दिस इज इक्वल टू 0. क्या आ गया यहां से, n माइनस 8 इंटू 3n माइनस 29 दिस इज इक्वल टू 0. यहां से आ गया बच्चों n इज इक्वल टू 8 n, n इज इक्वल टू 29 बाई 3, तो ये तो पॉसिबल नहीं है n, सो n क्या आ गया, दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 8 ओनली, करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी व्हिच kth टर्म इज दिस, kth टर्म दी हुई है, कितनी दी हुई है 5k प्लस 1, क्या दिया हुआ है ak इज इक्वल टू दिस दिया हुआ है, एंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी व्हिच kth टर्म इज दिस, kth टर्म दी हुई है. इस ak से मुझे ap बता सकते हो, अगर kth टर्म ये है तो a1 क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगी, k के जगह 1 डाल दो, 5 प्लस 1 6, ए टू के जगह क्या डाल दो 11, ए थ्री 15 प्लस 1 16 एंड सो ऑन, ये आपकी एपी बनेगी इस टाइप से, ठीक है बच्चों. डी क्या होगा इस एपी का, डी क्या होगा, देख ही रहे हो आप, 11 माइनस 6 करोगे 5 आ जाएगा, या 16 माइनस 11 करोगे तब भी 5 आएगा, ए टू माइनस ए वन या ए थ्री माइनस ए टू लगा दो, डी आ गया. क्या निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स एस एन, एस एन फाइंड करना है बच्चों, एस एन, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, इन टू डी, डी इज व्हाट 5, टू ए, टू ए, ए कितना है, ए बताओ बच्चों प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कितना है डी 5 है ना, वो तो लिखा हुआ ही है, बताओ कितना हो गया, एन बाई टू 12 प्लस 5 एन माइनस 5, एन बाई टू बताओ 5 एन, बोलो 5 एन प्लस 7, यस आ जाएगा. अगला 8th क्वेश्चन, हाँ कौन सा क्वेश्चन है,
एट्थ क्वेश्चन देखो जरा, क्या है एट्थ क्वेश्चन? द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, एस एन दिया हुआ है, कितना है? पी एन प्लस क्यू एन स्क्वेयर, पी एन प्लस क्यू एन स्क्वेयर, एस एन इज पी एन प्लस क्यू एन स्क्वेयर, ये एस एन है। एस वन निकालो यार, आप लोग बैठे तो हो, पी प्लस क्यू, एस टू निकालो, बोलो टू पी प्लस फोर क्यू स्क्वेयर, पी प्लस फोर क्यू, अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, देखो S1 दिया है, S2 दिया है, S1 किसके इक्वल होता है? A1 के इक्वल होता है, पता है ना सभी को, S1 A1 के इक्वल होता है, और S2 किसके इक्वल होता है भाई? A1 प्लस A2, S2 माइनस S1 क्या होता है? S2 माइनस A1 A2 होता है, कैसे? देखो S2 माइनस S1, S2 का मतलब होता है बच्चों A1 प्लस A2, S1 का मतलब है A1 माइनस A1, A1 से A1 कट, क्या आ गया? A2, ठीक है, समझ आया? तो A2 निकालने के लिए A2 2P प्लस 4Q माइनस S1, बताओ P प्लस Q, 2P प्लस 4Q माइनस P माइनस Q, ठीक है? हमें सिर्फ एस एन का फॉर्मूला गिवन था, एस एन इन दिस, और कुछ गिवन नहीं था। एन को वन डाला एस वन आ गया, एन को टू डाला एस टू आ गया, ठीक है बच्चों? एस वन हमेशा ए वन के इक्वल होता है और एस टू माइनस एस वन ए टू के बराबर होता है। क्या आ गया यहां से? टू पी माइनस पी पी और फोर क्यू माइनस क्यू, ठीक है भाई? टू पी माइनस पी हो गया और फोर क्यू माइनस क्यू कितना हो गया? प्लस थ्री क्यू, ठीक है, ये आ गया ए टू आ गया, ए वन आ गया, डी निकाल लो, डी आ गया बच्चों, डी आ गया, ए टू माइनस ए वन, चलो बताओ आगे, बोलो क्या निकालना है? बस डी निकालना था, निकालो फिर जल्दी से डी निकालो। हाँ ए टू कितना है, सरन्या कितना है बता जरा? ए टू इज कहाँ है? ए टू पी प्लस थ्री क्यू माइनस माइनस पी प्लस क्यू, कितना आ गया? पी प्लस थ्री क्यू माइनस पी माइनस क्यू, पी से पी कट, थ्री क्यू माइनस क्यू टू क्यू, इधर आओ आगे चलो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपी, दो एपी हैं, ठीक है बच्चों? एक एपी है वन, एक एपी क्या है? वन, और एक एपी क्या है? एपी क्या है? टू। एक एपी वन है और एक एपी टू है, ठीक है? क्या कहता है ये? सम ऑफ एन टर्म्स, सॉरी यहां पर सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपी आर इन रेशियो ऑफ दिस, इनके सम का, इनका सम किस रेशियो में दिया है? एस एन, मान लो पहली एपी का जो सम है वो एस एन है और सेकेंड एपी का जो सम है वो एस एन डैश है, एस एन अपॉन एस एन डैश, इसका रेशियो कितना दिया हुआ है? फाइव एन प्लस फोर, ठीक है, अपॉन नाइन एन प्लस सिक्स, नाइन एन प्लस सिक्स, दिस इज इक्वल टू, बताओ बताओ जरा किस रेशियो में दिए हुए हैं ये? ऐसे दिए हुए हैं। अच्छा अब हमारे पास है तो कुछ भी नहीं इन दोनों एपीज में, ठीक है? इस एपी की जो फर्स्ट टर्म है उसको हम ए मान लें और इस एपी की जो फर्स्ट टर्म है उसको कैपिटल ए मान लेते हैं, इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम बी मान लेते हैं और इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है उसको क्या मान लेते हैं? कैपिटल डी मान लेते हैं। तो एस एन का फार्मूला बताओ, एन बाई टू
2a प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 इंटू d कितना है बताओ जरा, छोटा d डिवाइडेड बाई n बाई 2, 2a बोलो, 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू कैपिटल d, दिस इज इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6, ठीक है। n बाय 2 से n बाय 2 कट कर दो तो देखो आपके पास क्या बचा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। चलें आगे, अब क्या फाइंड करना है आपको बच्चों, हमें इनकी कौन सी टर्म का रेशियो फाइंड करना था, रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म, रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म, ए 18 यानी कि 18th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, 18th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी अपॉन 18th टर्म ऑफ सेकेंड एपी, फर्स्ट एपी की 18th टर्म और फिर सेकेंड एपी की 18th टर्म, बताओ जरा 18th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी बोलो, ए प्लस 17 डी अपॉन ए प्लस 17 डी, बड़ा डी, बड़ा ए और बड़ा डी, कैपिटल ए एंड कैपिटल डी, बोलो भाई कैपिटल ए प्लस कैपिटल डी, दिस इज इक्वल टू, बताओ क्या आएगा। अच्छा, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम इस एक्सप्रेशन को, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पता है, इस वाली की देखो, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पता है ना, कैपिटल टू सॉरी ये 2a प्लस दिस, 2a प्लस दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस, तो हम अपनी एक्सप्रेशन को ना इसकी तरह से ही चेंज करते हैं, क्या करते हैं कैसे, तो इसमें तो 2a है, हमारी एक्सप्रेशन में a है, तो हम अपनी एक्सप्रेशन को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बन गया 2a प्लस 34d, नीचे क्या बन गया 2a प्लस 34d, ठीक है, यह आएगा। अच्छा 2a, 2a प्लस, अब देखो यहां पर आओ वापस बच्चों, यह है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ऐसा कुछ किस टाइप से लिखा है वो देखो, कि एक नंबर माइनस 1 और फिर d, तो हम भी इस 34 को, क्योंकि हमारा 2a तो इससे मैच कर रहा है ना, तो 34 मैच नहीं कर रहा, तो इसको 35 माइनस 1 टाइप से लिख देते हैं, अभी उससे मैच करेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और हमारा है 2a प्लस 35 माइनस 1 इंटू d, नीचे दिस इज 2a प्लस, इस 34 को देखो 35 माइनस 1 इंटू d, समझ आया, आया कि नहीं आया, आया। अब इधर वाली एक्सप्रेशन को देखो, इसका इसका आंसर ये है, क्यों, क्योंकि यहां n है तो आंसर ये है, यहां n है तो आंसर ये है, yes, देख रहे हो, अगर यहां 35 होता तो आंसर क्या होता 36, क्योंकि यहां के n की वजह से यहां n आता है, यहां के n की वजह से यहां n आता है, मतलब जो नंबर यहां होता है इस एक्सप्रेशन में वो नंबर यहां पर आता है, देखो 5n या 9n, तो हमारी एक्सप्रेशन का आंसर इसके अकॉर्डिंग पता है क्या होना चाहिए, इस एक्सप्रेशन में n के जगह क्या रिप्लेस कर दें 35, अगर हम इस पूरी एक्सप्रेशन में, इस पूरी एक्सप्रेशन में n के जगह 35 रिप्लेस कर दें, तो इसकी लेफ्ट साइड, इस एक्सप्रेशन की लेफ्ट साइड हमारी एक्सप्रेशन के बराबर होगी, तो फिर हमारी एक्सप्रेशन इसका जो राइट साइड का आंसर आएगा वही हमारी एक्सप्रेशन का आंसर होना चाहिए, तो आप n की जगह क्या रिप्लेस कर दो, देखो यहां से इसका आंसर क्या आना चाहिए, 5 इंटू 35 प्लस में 4 अपॉन 9 इंटू 35, 9 इंटू 35 प्लस में 6, निकाल दो आंसर 179 अपॉन 32, ये आंसर आया, चेक करो पीछे, तो 18th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी अपॉन 18th टर्म ऑफ सेकंड एपी का आंसर ये होगा, ठीक है। चलो जाओ फिर, आज इतना ही करते हैं।